वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवर मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। इन द एंशिएंट टाइम इंडियन इकोनॉमी वॉज रिच एंड डेवलप्ड। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली। पहले के समय पर क्या था, इंडिया बहुत ही रिच कंट्री थी इकोनॉमी की नज़रिए से, और क्या था इसकी जो फाइनेंशियली कंडीशन थी वो भी क्या थी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी। द इंडस्ट्री ऑफ पॉटरी मेटल बिल्डिंग वर इन एडवांस स्टेज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे जो पॉटरी इंडस्ट्री थी, मेटल इंडस्ट्री थी, बिल्डिंग इंडस्ट्री थी, वो सभी क्या थी, एडवांस स्टेज पे थी। इन द मिडिवियल पीरियड ऑफ इंडियन सिल्क वॉज इन सच अ हाई डिमांड दैट रोमन पीपल वर रेडी टू पे इन गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ इंडियन सिल्क। मिडिवियल पीरियड के समय इंडियन की जो सिल्क थी, इंडियन सिल्क था, उसकी इतनी डिमांड थी कि जो रोमन के लोग थे वो उस सिल्क के बदले गोल्ड देने को तैयार थे। जितना सिल्क का वजन था उतना ही गोल्ड का वजन वो देने को तैयार थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इनिशियल स्टेज यूज टू परचेज इंडियन क्लॉथ्स स्पाइसेस एंड कॉटन प्रोडक्ट्स इन रिटर्न ऑफ प्रीशियस मेटल्स। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इनिशियल स्टेजेस में क्या परचेज किया करती थी, इंडियन क्लॉथ स्पीसेस कॉटन प्रोडक्ट, और उसके बदले में प्रीशियस मेटल दिया करती थी। लेटर कुछ समय के बाद फिर सिचुएशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। During 6 decades of our independency, we have made lots of development and we reaped benefits also, but still there are few economic problems before us. Some of them problems are like poverty, unemployment, price rise, population growth and other something else. 6 decades तक जो हमारी इंडिपेंडेंसी है हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, बट अभी भी हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ हद तक कम नहीं हुई हैं। जैसे जो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने वो कौन कौन सी हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सेट्रा। ये क्या है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अब हम इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। आफ्टर इंडिपेंडेंस issues like poverty and unemployment are still waxing. In 1951, the population of India was 36 crore, which increased to 121.6 crore by 2011. अगर हम लोग बात करें 1951 की, तो इंडिया की population केवल 36 crore थी, लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, आज की डेट में भी नहीं बात करते, हम 2011 की डेट की बात करते हैं, तो 2011 में 121.6 करोड़ हो गई थी, लेकिन आज की डेट में 130 करोड़ है। ये आपको याद रखना है किस प्रकार से इंडियन की जो पॉपुलेशन वो बढ़ी है। द मेजर मेन कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर पॉवर्टी। और पॉपुलेशन ग्रोथ के जो मेन कॉजेज हैं, जो कारण हैं, वो क्या हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिजायर टू हैव मेल चाइल्ड टू रन द फैमिली एंड चाइल्ड मैरिजेस। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के मेन कारण क्या क्या हैं, गरीबी, अनपढ़ जो लोग हैं उनके कारण, अनपढ़ जो हैं मीन्स पढ़ाई लिखाई के जो समय लोगों के पास उस समय क्या बोलते हैं, साक्षरता नहीं थी। फिर मेल चाइल्ड की डिजायर की लालच के लिए, दूसरा चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह करते थे, वो भी एक रीज़न है। द पॉपुलेशन इंक्रीज impedes the economic growth of nation. This leaves a lasting effect on the lifestyle of people, for the expansion of industries and increase in production of goods grains are not possible at the rate of increase in population. अब जो ये population growth हुई, इससे क्या क्या effect पड़ा, इससे हमारे economic पर बहुत ज़्यादा effect पड़ता है। कैसे पड़ता है, जितना हम छोटा सा example लेते हैं अगर, तो जितना हमें ग्रेन्स को ग्रो कराना है, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमें जो फूड ग्रेन्स है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। जब क्वांटिटी
क्या पॉसिबल है कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ उसकी क्वांटिटी बढ़ा पाएँ? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो मेजर पॉपुलेशन है हमारी, वो किस पे डिपेंड करती है? अगर हम बेसिकली बात करें तो जो हमारी मेजर पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। हमारा एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के बर्डन को सहन कर सके। ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चरल लैंड और फर्टाइल सॉयल एंड फॉरेस्ट लैंड इज डिक्रीजिंग। अब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उन लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए। इससे क्या होता है, रहने के लिए जगह बनाने के लिए वो फॉरेस्ट ख़त्म कर देते हैं, लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है और इस कारण से हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी डिस्ट्रॉय होती है। अब इसके जो कुछ रीज़न हैं किसके कारण ऐसा होता है वो क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बैरियस रेसिडेंशियल कॉलोनीज, हॉस्पिटल्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, पोस्ट ऑफिसेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बाय वेरियस डिपार्टमेंट। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसके कारण क्या हो रहा है, रोड बनाना है, पुल्स बनाने हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनानी है, तो इनके लिए जो ज़मीन लग रही है इससे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल ज़मीन ख़त्म होती जा रही है। अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट भी चाहिए तो एयरपोर्ट के लिए जो लैंड का अलॉटमेंट है, बस स्टैंड है और अदर भी कम्युनिकेशन जो भी नेटवर्क हैं उसके लिए भी हमें लैंड की ज़रूरत होती है, तो इससे भी हमारी जो लैंड है वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। लैंड दूसरे पर्पज़ में यूज हो रही है तो एग्रीकल्चर के पर्पज़ में तो यूज ही नहीं हो रही है। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड सोयल इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड एज ब्रिक्स किल्स। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे जो लार्ज एरिया है, हम बात करें जो टोटल एरिया है लैंड का, तो मैक्सिमम एरिया किस में है, मैक्सिमम एरिया बिल्डिंग्स में है, घर बनाने में लगा हुआ है। दूसरा, जो ईंटों की भट्टी होती है उसको बनाने के लिए भी एरिया की ज़रूरत पड़ती है। अब जहाँ पे ईंटों की भट्टी बनाई जाती है वहाँ की लैंड क्या हो जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है। फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कैटल्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज यूटिलाइज। अब जानवरों को ग्रेज कराने के लिए, उनकी ग्रेजिंग के लिए भी लैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारी लैंड की वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एवरी ईयर लैक्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड सरफेस गेट वॉश्ड अवे बाय रेन्स एंड फ्लैश। अब जितना ज़्यादा ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कटिंग ऑफ फॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे यहाँ जो मतलब लाखों हेक्टेयर ज़मीन क्या हो रही है, फ्लड में बह जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, दूसरा जो कारण है वो क्या है, पॉपुलेशन, ये सॉरी पॉवर्टी। दूसरा क्या है, पॉवर्टी। पॉवर्टी इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड द रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स मिनिमम नीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, क्लॉथिंग, हाउसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ। पॉवर्टी क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम से कम इन चीज़ों की ज़रूरत तो होती ही होती है लोगों को। किन चीज़ों की, हर एक इंसान को फूड की ज़रूरत होती है, कपड़ों की ज़रूरत होती है, मकान की ज़रूरत होती है और पढ़ाई और स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है। पॉवर्टी लीव्स द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ अ मैन। पॉवर्टी क्या काम करती है, लोगों के जीवन में और उनकी जो हेल्थ है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, ठीक है। द वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीजेज एंड पॉवर्टी कंटिन्यूज। वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और पॉवर्टी क्या होती है, बढ़ती रहती है। दिस फॉर्म्स अ विशीसियस सर्किल, और ये एक सर्किल बना दिया है इसने, खतरनाक सर्किल है ये। इट मे बी पॉसिबल दैट फ्यू पीपल इन योर नेबरहुड डू नॉट गेट टू मील्स एवरी डे, चिल्ड्रंस आर विक्टिम्स ऑफ मेल नरिशमेंट एंड दे डू नॉट हैव सफिशेंट क्लॉथ्स एज पर वेदर, दे हैव टू लिवर फॉर लेवलीहुड वेन दे शुड कम टू स्कूल। इकोनॉमिस्ट कॉल दीज पीपल्स विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी एंड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। इट इज़ ड्यूटी ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन एंड ब्रिंग देम अबव द लाइन ऑफ पॉवर्टी। द गवर्नमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाइज पर्सन एंड फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन टू प्रोवाइड कार्ड्स एंड द सेकेंड इज टू प्रोवाइड देम हेल्प एंड एम्प्लॉयमेंट सो दैट दे मे बी लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी एक बहुत बड़ी क्या है, बीमारी है, गरीबी। गरीबी आज की डेट में क्या हो रही है, लोगों के पास काम कम है और गरीबी ज़्यादा है। गरीबी ज़्यादा होने की वजह से क्या है, हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है।
तो हमें क्या करना, आपने खुद भी देखा होगा आपके घर के आसपास कई ऐसे लोग होंगे जिनको दो टाइम का खाना नहीं मिल पाता है, जिनके पास धन के कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए, सीजन बाय सीजन जो कपड़े नहीं पाते होंगे पहनने के लिए। हमारी गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन से लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, और उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश भी करनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाना चाहिए उनको ताकि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सके। जो आपका तीसरा रीज़न बनता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। आज की डेट में क्या है, लोग खूब पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनके पास नौकरियां नहीं। अब नौकरियां नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, वो बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं तो खाने के लिए क्या हो रहा है, घर में अगर चार सदस्य हैं, चार में से एक कोई कमा रहा है, तो चार जो बैठे हैं बाकी तीन हैं वो तो बेरोजगार हैं, उस एक पे डिपेंडेंस है, तो उसकी जो कैपिटल इनकम है वो क्या हो रही है, कम है। कितना भी कमा रहा है वो उसके लिए नहीं हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और मैक्सिमम अगर हम लोग देखें, जो मैक्सिमम पीपल एज ग्रुप देखें, 15 से 15 to 59 के जो लोग होते हैं वो जॉब ढूंढ रहे हैं। एज ग्रुप देखें अगर 15 साल से लेकर के 60 साल तक के लोग जॉब ढूंढते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती और उनको बराबर जॉब की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती है। इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण भी हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है, गड़बड़ होती जा रही है। आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा प्राइस राइज। भाई आपने ये पढ़ा है कि आपने जो क्लास फिफ्थ में बुक खरीदी होगी, क्या वो आज एट्थ की बुक भी उसी कीमत की मिल रही है? तो प्राइस राइज का मतलब है प्राइस का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना। प्राइस कैसे बढ़ती है भाई, कोई चीज़ पहले अगर 2 रुपए की मिल रही थी और आज अगर 4 रुपए की मिल रही है, मतलब प्राइस बढ़ गया। तो प्राइस की बढ़ने से भी क्या हो रहा है, लोगों के पास तो अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ही है, गरीबी तो पहले से ही है, अब रेट भी बढ़ रहा है सामानों का, सब सामान का रेट बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे, और ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, प्राइस राइज, ये सारी की सारी चीज़ें ही लोगों को गरीब बनाते जा रही है और हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। फिर जब बची कुची कसर बच रह गई है वो करप्शन ने ख़त्म कर दी। हमारा देश इकोनॉमिक की कंडीशन में वैसे भी क्या है, पीछे चल रहा है, और जो करप्शन है, करप्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने काम को कराने के लिए सामने वाले को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है कि वो उसके काम को जल्दी करे, तो हम इसे क्या बोलते हैं, करप्शन बोलते हैं। और आज की डेट में सभी के अंदर ये आदत आ चुकी है कि सभी अपने काम को जल्दी कराना चाहते हैं और जल्दी के लालच में सामने वाले को पैसा देते हैं और वो काम जल्दी करता है। तो करप्शन के जो मेन विक्टिम हैं वो भी हम हैं, और जो मेन कल्पिट हैं वो भी हम हैं। हमारे ही कारण करप्शन हो रहा है और हम ही उसको झेल रहे हैं, कोई और नहीं झेल रहा है, हम ही झेल रहे हैं और हमारे ही कारण हो रहा है। तो करप्शन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसे हमें दूर करना है, और हमारी इकोनॉमिक जो इंडिया की इकोनॉमी है उन सब में जो मेन रोल निभाते हैं उसको गिराने का, उसको कम करने का, इकोनॉमी ना बढ़ने देने का, वो यही पांचों करते हैं, करप्शन, प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।